बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैसे की हवस ने वालिदैन की आंखों पर भी पर्दे डाल दिए हैं और नस्लों की नस्लें अब बर्बादी की तरफ जा रही हैं। तुर्की को लिबरल सेकुलर माशरा करार दिया गया था। एक सोची समझी यहूद की साजिश, गैर मुस्लिमों की साजिश ने उन्हें बर्बाद कर डाला था। आज पाकिस्तान में वही सब चल रहा है। तुर्क तो एक गैरतमंद कौम थी, गयूर कौम थी, उनको अच्छे हुक्मरान मिल गए, भलाई की तरफ आ गए। हम भला कैसे भलाई की तरफ आएंगे जब भलाई हमें एक्सेप्ट ही नहीं, हम अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना जानते ही नहीं। हम में आज हर वो बुराई मौजूद है जिसकी वजह से पहले की कौमें बर्बाद हुई, और ये सब हमारे माशरे में चल रहा है। जिस तरह की बैकग्राउंड वीडियो आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिली यानी भाई जो कि किसी दौर में बहनों के मामले में बड़े गैरतमंद कहलाते थे, आज गैरत अपनी खो चुके हैं। बहनें जो कि भाइयों के सामने, बाप के सामने, हर एक के सामने हया का पैकर बनी रहती थी, आज बेहया बनी हुई हैं। तो भला सोचिए हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। इवन कि हम अपने घर में देख लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं गलती है, कोताही है, तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। हम अल्फाज के ज़रिए से आप तक बात पहुंचा सकते हैं, तो आप तो घर में सख्ती के ज़रिए से भी इन तमाम चीज़ों पर अमल पैरा करवा सकते हैं अपने घर वालों को। और यकीन मानिए, किसी को अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखा देना, यही वो बीज है जिसे बोने की आज के सोसाइटी, आज के माशरे में अशद ज़रूरत है। राय दीजिएगा आज की वीडियो के हवाले से, तब्ज़ब भी कीजिए, इसे मैक्सिमम शेयर करना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस से भरेगा।